ये इस एनिमे का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उसको पहले देख लीजिए, नहीं आपको स्टोरी नहीं समझ में आएगी। और मैं स्टोरी की स्टार्टिंग करता हूँ। यहाँ पर यूना बैठी होती है और कहती है कि तुम ऐसे स्कैरी थिंग्स कह रहे हो, मुझे डरा रहे हो। मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ, जिस पर कि जुमी बोलता है यूना, तो यूना बोलती है हाँ, पर जुमी बोलता है कि टाइमिंग सही है, हम ऐसे चीज़ों को बस ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, रुको मुझे थोड़ा सा तुम्हारे अंदर देखने दो। जिस पर यूना उसको मना कर रही होती है और बोलते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे बारे में वरीड मत हो, सॉरी तुमको मैंने चिंता में डाल दिया। पर जुमिन कहता है नहीं फाइन, अभी भी हम फ्रेंड्स हैं, तो थोड़ी देर बस रुको मैं तुमको देखता हूँ। और तभी जुमिन थोड़ा कल्टिवेट करने लगता है, जिसको देख करके टाइमिंग और यूना दोनों शॉक हो जाते हैं। और टाइमिन बोलता है ये कैसा माना है, ये तो एक हीलिंग मैजिक लाइट है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जब से एबटॉन के ऑर्गेनाइजेशन ने डीमन की वर्शिप करना स्टार्ट किया है, तब से वो कर्स बोरो कर सकते हैं डीमन से, जो कि वो किसी कर्स को दे भी सकते हैं। और इसी केस में जुमिंग अपनी पावर को यूज़ करता है, जहाँ पे उसका मैजिक जो होता है वो थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट हो जाता है डिवाइन पावर में। और यहाँ पर ये हीरो माना पैसिव स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ डिवाइन पावर में बदल जाती है। और वो सक्सेसफुली इमेंसर को यूज़ करता है लाइजर प्रीस्टेस के साथ, और लाइजर प्रीस्टेस के साथ वो अपनी पावर यूज करता है इमेंसर की, जिससे कि उनकी पावर मिल जाती है जुमिंग को। और बताया जाता है कि प्रीस्टेस ने आपको ब्लेसिंग दी है अपनी। और जुमिंग बोलता है मेरे पास इसके अलावा दूसरी कोई चॉइस नहीं थी फाइट बैक करने की अपनी डिवाइन पावर के साथ। लकीली ये कर्स जो है यूना का वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं लाइजर प्रिंस्टेस की पावर यूज़ करके इसको हटा सकता हूँ, और मुझे अब इसको स्टार्ट करना चाहिए। और यूना भी बिल्कुल रेडी होती है। और तभी जुमिंग जो होता है वो अपनी पावर को यूना के तरफ डालने लगता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और यूना का जो कर्स होता है वो पूरा हट जाता है यूना से। और यूना भी इस पावर को देखकर कहती है ये तो बहुत अमेजिंग पावर है। और यहाँ पे उसका कर्स हट जाता है, जिसको देख कर के यूना और टाइमिंग बोलते हैं कि जुमिंग ये सब तुमने कैसे किया। पर जुमिंग परेशान हो जाता है दोनों के एक टाइम पर क्वेश्चन करने पे, और बोलता है कि अरे एक टाइम पर एक ही बंदा मुझसे क्वेश्चन करो। और बोलता है जुमिंग कि मैंने रिसीव किया था तुम्हारी हेल्प जब मैं एकेडमी में था, हर दिन तुम्हारी हेल्प किया करते थे, और इसके लिए सॉरी मैं तुम्हारे लिए अब तक कुछ नहीं कर पाया था, पर अब मैं ऐसा कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और टाइमिंग बोलता है कि ये तो सच में एक हीलिंग पावर थी जो तुमने अभी यूज़ की। और टाइम और यूना बोलती है मैंने सुना है रूमर्स कि तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। और यहाँ पे जुमिंग परेशान हो जाता है, वो बोलता है कि हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है बताने में, पर एवरी टाइम मेरे पास अलग अलग स्किल रहती है जिसको मैं याद नहीं रख पाता हूँ। और टाइमिंग जुमिंग को बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपनी अवेकनिंग आखिरकार कर ही ली, तुम इस दिन के लिए कितने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। और ये जुमिंग उसको मना करता है टाइमिंग को कि उसको हिलाने के लिए, नहीं कहता है कि मेरे कंधे टूट जाएंगे अगर तुम मुझे इतनी तेज़ी से हिलाओगे। और यहाँ पे यूना भी काफ़ी खुश होती है और कहती है कि मुझे पता था जुमिंग तुम एक ना एक दिन ऐसा कर ही लोगे, अपनी स्किल को अवेक कर ही लोगे, क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो। और यहाँ पर टाइमिंग भी काफ़ी खुश होता है, जुमिंग भी काफ़ी खुश होता है। और टाइमिंग जुमिंग से पूछता है कि क्या अब तुम स्कूल में वापस आने वाले हो, तो जुमिंग बताता है कि नहीं अब मैं ड्रॉप आउट हो चुका हूँ एकेडमी से, अब मेरे पास एक मास्टर है और मुझे अब एक स्पेशल ट्रेनिंग करनी है, तो मैं नहीं वापस आ रहा हूँ। जिस पर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यार क्या तुम्हारे पास एक मास्टर, वो बंदा कौन है। जिस पर कि जुमिंग बोलता है कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं तुमको उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, मैं उनका नाम तुमको बाद में बताऊँगा। और जुमिंग सोचने लगता है मन में कि मैं अपने मास्टर चूहू का नाम नहीं बता सकता हूँ। और ये दोनों कहते हैं कि सॉरी मैं तुम्हें, और जुमिंग इन दोनों से माफ़ी मांगता है कि इतने 2 सालों से इन दोनों के साथ टच में नहीं था। और जुमिंग कहता है कि तुम दोनों ऐसे बंदे जो मेरे लिए बहुत प्रीवियस हो, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो। और जिसको सुनकर के यूना बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ जुमिंग कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है बात है। और यहाँ पे टाइमिंग बोलता है सीरियसली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे बारे में, मैं कॉल हमेशा करते रहना।
और यहाँ पे जुगमिंग भी खुश हो जाता है, कहता है कि ऑफ कोर्स मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हो और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर अब जुगमिंग अपने घर पर आ गया होता है और थक कर गिर जाता है और कहता है मैंने इतने लंबे टाइम बाद इतनी बड़ी पार्टी की, मैं तो थक गया हूँ। और तभी सिस्टम ओपन होता है जो बोलता है कि आपने सेटिस्फाई कर लिया एपिसोड को रिक्वायरमेंट को, इसके बदले आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिसको देख कर के जुगमिंग बोलता है मैंने यूना का कर्स हटाया था इसीलिए मुझे रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और रिवॉर्ड के तौर पर इंफॉर्मेशन दी जाती है एवटॉन के बारे में और बोला जाता है कि आप इसे चेक करेंगे। और जुगमिंग चेक करता है रिवॉर्ड को, जहाँ पर इसको एवटॉन के बारे में बात पता चलती है कि वो रेड करने वाला है एकेडमी डंजन फील्ड ट्रिप पे। और इसको सुनकर के जुगमिंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बताया जाता है सिस्टम के द्वारा कि 15 दिन बचे हुए हैं जब एवटॉन लॉन्च करेगा अपनी रेड को, अपने सारे बंदों के साथ वो जा करके एकेडमी पे रेड करेगा। जिसको सुनकर के जुगमिंग बहुत डर जाता है और कहता है ये इसका मतलब यूना और ताइमिन दोनों डेंजर में हैं और मुझे जल्दी से प्रोफेसर्स को ये सब बातें बतानी होगी। और जुगमिंग कहता है नहीं रुको, मुझे केयरफुली होना होगा क्योंकि एवटॉन सच में एक बहुत बेकार आदमी है। और अपने आप को काम डाउन करता है जुगमिंग और कहता है कि उनको मुझे खुद ही पहले अपने आप ही रोकना होगा क्योंकि एवटॉन एक खुद ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैंने खुद ही बनाया है और मुझे ये सब का केयर खुद पर लेना होगा क्योंकि ये सब मेरे ही वजह से हो रहा है और मैं किसी भी बंदे को मरने नहीं दूंगा मेरी वजह से, स्पेशली यूना और ताइमिन। और कहता है जुगमिंग कि मुझे बस अब रिसीव हो गई होगी उनकी हेल्प, अब मुझे उन्हें बचाना होगा और मैं जा करके इन 15 दिनों में जो बैटल होने वाली है उसको मैं जीतूंगा। और इसके बाद हमें एक जिम वूम का और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिम के काफ़ी सारे सामान रखे होते और वॉर के काफ़ी सारे सामान रखे होते हैं। और यहाँ पर जुगमिंग आया होता है और कहता है ये सब क्या है और काफ़ी चिल्ला रहा होता है और ऑसम चिल्ला रहा होता है, जिसको सुन करके चूहू बोलता है कि अरे बच्चे कम चिल्ला नहीं तो मेरा कान फट जाएगा और तुमको क्या लगता है ये पूरा एक ट्रेनिंग रूम है तुम्हारे लिए। और बताया जाता है कि ये जो ट्रेनिंग रूम है ये बेसमेंट में बनाया गया है घर के, जो कि एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वर्ल्ड टाइप का, जिसको देख करके जुगमिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि और बताता है चूहू कि ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड है ये एकेडमी जिम से बहुत बेहतर है। और वहाँ पर जुगमिंग एक डोर की तरफ फिंगर करके बोलता है ये 5th जनरेशन विचुअल कॉम्बैक्ट सिस्टम है जिसपे कि हम जा सकते हैं, पर ये यहाँ पर क्यों है, पर मुझे पता है कि ये वन ऑफ द कोरिया का सबसे बेस्ट जगह है ट्रेनिंग करने का और इसीलिए ये काफ़ी महंगा भी होगा। जिसपे चूहू उसको बताता है कि ये करीब 50 बिलियन वॉन का है, और जिसको सुन करके जुगमिंग के होश उड़ जाते हैं कि इतना महंगा 50 बिलियन वॉन। और चूहू बोलता है कि देखो मैं तो कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ पर मैंने जितनी भी इस पर इन्वेस्टमेंट की है वो सब मुझे वापस चाहिए। और इस बात को सुन करके काफ़ी हैरान होता है जुगमिंग और कहता है कि तुमको बस अपना माइंड बनाना होगा, तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए रेडी रहो। और यहाँ पर चूहू जुगमिंग को हौसला देता है और कहता है कि बर्डन फील मत करो, बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और हार्डवर्क करो जैसे तुम हमेशा करते हो। और चूहू जाने लगता है वहाँ से और चूहू उसको एक पेपर देता है जुगमिंग को, चूहू जुगमिंग को एक बॉक्स देता है जिसको जब खोल कर जुगमिंग देखता है तो उसमें सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि ओरिजिनल ऑथर की स्टोरी के पास अब अपराइजिंग बिस्टम आ चुका है और यहाँ पर रिफिल्ड बिस्टम का एक लैकेट बना करके जुगमिंग के पास अब उसको मिल चुका होता है, जिसका ग्रेट फर्स्ट रेट है, जिसका इफेक्ट है माना एम्पलीफिकेशन स्टोरेज सप्लीमेशन और शेप चेंज। और ये एक ऐसा माना है जो अपने ओनर को खुद चुनता है और ये एम्पलीफाई भी करता है ओनर के माना को और ये एक्स्ट्रा माना को भी स्टोर कर सकता है, जिसको देख करके कहता है जुगमिंग कि ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है और खुश हो जाता है। और बताया जाता है चूहू के द्वारा कि ये सब जो है ये सिर्फ काफ़ी सारे फौजर्स ने मिलकर बनाया है और तुमको पता नहीं है कि उन लोगों ने मेरे सामने कितनी भीख मांगी है कि ये जो बनाया है उन्होंने ये उनको बेच
दे चूहू पर मैंने उनको नहीं भेजा। जिसको सुनकर के जुमिंग खुश हो जाता, कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं इसको बेचने की क्योंकि ये बहुत प्रीवियस चीज़ है और मैं रेडी हूँ इतने अच्छे मिनरल को ओन करने के लिए। और चूहू कहता है चलो फिर ठीक है, हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं और जाके तुम अपनी बॉडी को पहले वार्म अप कर लो ट्रेनिंग रूम में। जिसके बाद यहाँ पर जिमी ट्रेनिंग रूम में आ जाता है और बोलता है कि मास्टर जो है मेरे चूहू वो फाउंडर हैं टीचिंग एकेडमी के, तो वो किस तरह का मुझे चीज़ पहले सिखाएंगे, क्या वो मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाएंगे या माना कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाएंगे, क्या वो मुझे स्पारमैनशिप सिखाएंगे या फिजिकल ट्रेनिंग सिखाएंगे या मैजिक सिखाएंगे। और यही सब सोच रहा होता है तभी जुमिंग का पीछे से ड्रोर क्लोज होता है जो उसको सिस्टम के द्वारा बताया जाता है। और बताया जाता है कि जो एयर का सर्कुलेशन है उसमें कुछ अजीब चीज़ें आ गई हैं और जो लाइट होती है वहाँ से और जो फ्लोर होता है वहाँ से भी काफ़ी सारी लाइट निकलने लगती है, जिसको देख कर के जुमिंग हैरान होता है और बोलता है आखिरकार ये क्या है। और यहाँ पर चूहू बैठा होता है ऑब्जर्विंग रूम में और बोलता है कि एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं को क्या तुमको सिखाना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये तुमको सिखा रहा हूँ। ये प्रॉबेबली बाकी सब चीज़ों से अच्छा होगा क्योंकि मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है एडवेंचर के लिए, एडवेंचर को एक रियल एक्सपीरियंस चाहिए और इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। और यहाँ पे बताया जाता है कि ट्रेनिंग रूम में कंडीमेशन एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि जो माना है इस रूम के एयर में वो काफ़ी फोर्सफुली कंडीनेटेड हो गया है और हीरो का माना पैसिव एक्टिवेट भी हो जाता है जुमिंग का, जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी स्किल्स जुमिंग की ऑन हो जाती है उसको बचाने के लिए, कॉन्टीमेशन जो होता है वो भी ऑन कर दिया गया होता है जुमिंग की ट्रेनिंग के लिए। जिसके बाद ट्रेनिंग रूम में ही काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स निकलने लगती हैं और जुमिंग को पकड़ने लगती हैं और सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि स्ट्रिंग निकल रही है और आपको पकड़ने का ट्राई कर रही है और यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग ने जुमिंग को पकड़ कर ज़मीन पर गिरा दिया होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जुमिंग अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इस तरह से ये यहाँ पर हार जाएगा। और यहाँ पे चूहू बोलता है कि देखो एयर जो होती है डंजन की वो काफ़ी अलग होती है, जिसको सुन करके जुमिंग भी हैरान रहता है। और चूहू बताता है कि ये जो ट्रेनिंग रूम है वे एक वर्चुअल रियलिटी है, पर ये तब भी बहुत हार्ड है कि तुम खड़े हो सको, तुमको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि डंजन में बहुत पोल्यूशन होता है, इसलिए पहले ही सीख लो कि तुम डंजन में जा कर के अपनी ब्रीथ को कैसे होल्ड करोगे। एंड चूहू बोलता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास आखिर है क्या तुम्हारे अंदर छुपा हुआ। और यहाँ पे हमें जुमिंग दिखाया जाता है जो काफ़ी बुरी हालत में होता है, बोलता है मैं यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे अपने आप को संभालना होगा किसी तरह। और अपनी सांस को धीरे कर जुमिंग खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तो काफ़ी मुश्किल से ही सांस ले पा रहा हूँ, मेरा स्टेमिना भी कम हो रहा है। और यहाँ पे चूहू बोलता है कि तुम तो काफ़ी जल्दी स्टेबलाइज हो गया जितना मैंने सोचा था, पर ये तो सिर्फ अभी बिगिनिंग है, तुमको पता होना चाहिए कि डंजन का जो इकोसिस्टम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है रियल वर्ल्ड से और ये जो इकोसिस्टम होता है वो बिल्कुल फेवर में होता है मॉन्स्टर से। अगर तुम वहाँ पे एयर ले लेते हो जाकर के तो तुम बिल्कुल जाकर के मॉन्स्टर ही बन जाओगे और अगर अंदर तुमको कोई मार भी देगा डंजन में तो तुम्हारी बॉडी एकदम गल कर ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर और पता भी नहीं चलेगा किसी को कि तुम कहाँ गए, इसीलिए तुमको पहले से ही यहाँ पर सीख लेना होगा और तुमको अब ज़्यादा अपनी यूनिक एबिलिटी को इस्तेमाल छुपाना नहीं चाहिए, अब उसको तुमको इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जुमिंग को काफ़ी पेन हो रहा होता है इस पॉल्यूशन एयर से और सिस्टम बताता है कि जो कॉन्स्टिनेशन है वो एक्सपोज हो चुका है पर अभी भी 55 मिनट्स बाकी हैं और ये जो कॉन्स्टिनेशन है ये कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, जो आपकी बॉडी के मोशन में भी काफ़ी सारी रुकावट्स पैदा कर रहा है जिससे आप हील भी दूर नहीं पा रहे। और जुमिंग यहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने ऐसा कभी फेस नहीं किया क्योंकि जो टावर में मैं जाता था वहाँ पे पहले से ऑटो वेरिफिकेशन रहती थी, तो मैंने इस तरह की कभी प्रॉब्लम नहीं फेस की पहले और ये काफ़ी डिफिकल्ट है कि मेरे जैसा कोई बंदा यहाँ पर खड़ा भी हो सके, पर जो यहाँ पर खड़ा होना होगा। और सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि जो हीरो माना है वो आपके माना ऑर्गन्स को कॉन्टिनेशन एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहा है
और यहाँ पे जिंगमिंग थैंक्स करता है हीरो माना को, और बताया जाता है कि जो हीरो माना है वो ग्रो कर रहा है अपने आप ही और कंटिन्यूसली प्योरिफिकेशंस को कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि आपकी बॉडी को स्लोली रीच कर रही है। और यहाँ पर जिंगमिंग को चूहू देख रहा होता है और बोलता है कि इस बंदे ने काफ़ी हार्ड टाइम फेस किया है पिछले 57 मिनट से, तब से अपनी ब्रीथ को होल्ड करी है। और अब चूहू बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, आप बाहर आ जाओ, ये एंड होता है, अब इसको बंद करते हैं, और तुमने काफ़ी अच्छा अंदर परफॉर्म किया और अपनी एबिलिटी को भी यूज़ किया, पर अब बस करो, अब बाहर आ जाओ। पर यहाँ पे जिंगमिंग बोलता है अपने मास्टर चूहू से कि क्या अब मैं अपनी यूनिक एबिलिटी को यूज़ कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी ब्रीथ को और ज़्यादा रोक पाऊँगा। जिसको सुनकर चूहू हैरान हो जाता है और कहता है तुमने अभी जस्ट क्या बोला, तुम क्या पागल हो गए हो क्या। और यहाँ पे जिंगमिंग घबरा जाता है और सोचता है कि मुझे शायद अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे चूहू को समझ डांटता है और कहता है कि अरे पागल, तुमको अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करनी थी, और तुम अंदर एक घंटे से बैठे हुए हो बिना अपनी एबिलिटी को यूज़ किया रहे, तुम तो मारे जा सकते हो। तो यहाँ पे जूमिंग कहता है तो क्या अब मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो हाँ चूहू कहता है हाँ बिल्कुल अब तुम इस्तेमाल करो, और उसको काफ़ी डांटता है। और जूमिंग बोलता है कि आपको ये सब बातें मुझे पहले से बतानी चाहिए, तो मैं अपनी एबिलिटी शुरुआती से यूज़ करता, और हंसने लगता है। और यहाँ पे चूहू उसको डांटता है कि तुमने क्या जोक समझ रखा है डंजन को, तुम छोटे बच्चे, और काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है, और कहता है अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम हो ज़्यादा हो जाता तो, काफ़ी सारी बातें बोलता है। और यहाँ पे जान भी हंसने लगता है, और तो जिसको देख करके जिंगमिंग बोलता है कि अरे तुम हंस क्यों रहे हो। यहाँ पर ईडान दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर हंस रहा होता है, कहता है तुम तो काफ़ी देर तक अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सके, और कहता है ईडान कि तुमने काफ़ी देर से अपनी ब्रीथ को रोक रखा है, मिनटों में नहीं घंटों में। और अब बताओ तुमको क्या लगता है, ये जो हीरो माना है वो एक डिफरेंट लेवल पे है कि नहीं बताओ। जिस पर कि जिंगमिंग भी ईडान की बात से एग्री करता है और कहता है डिवाइन पावर एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डेवल पावर को अपोज कर सके, जो हाई क्वालिटी एनर्जी होती है जो सिर्फ 7 हीरोज़ के पास होती है, वो भी ऐसी काफ़ी अच्छी माना है जिसको हीरो माना बोला जाता है, जो कि बहुत अच्छी माना होती है डिवाइन पावर की तरह। और यहाँ पर कल्टीवेट करते हुए जिंगमिंग एक बॉल बनाने लगता है, और जिसको देखकर चूहू बहुत हैरान होता है और कहता है फाइनली ये अपनी यूनिक एबिलिटी को यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे जिंगमिंग बोलता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करूँगा, जो ये कॉन्टिनेशन की प्रॉब्लम है उसको अपनी प्योरिफिकेशन से, और ये अपनी पावर को यूज़ करने लगता है और बोलता है कि अब मैं इस पूरे रूम की पावर को प्यूरीफाई कर, और बोलता है मैं इस पूरे रूम की एयर को प्यूरीफाई कर दूंगा, और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है, जहां पर उसके चारों तरफ काफ़ी सारा माना फैलने लगता है डिवाइन पावर। और इमेंसर को यूज़ करता है लायरा प्रीस्ट ईस्टर के साथ, और यहां पर सिस्टम बोलता है कि यो आपका माना जो है वो टेम्परेली चेंज हो गया डिवाइन एनर्जी में, और प्रीस्ट का प्रोटेक्शन आपको मिला है, और प्रीस्ट का प्रोटेक्शन अब एक्टिवेट हो चुका है। और जिंगमिंग बोलता है एक लो ग्रेट इमेंसर भी अब मेरी बॉडी को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता है, और सिस्टम बताता है जो डिवाइन एनर्जी है वो हील कर रही है आपकी बॉडी को बहुत जल्दी ही, और आपके अमाना ऑर्गन्स को भी डिस्पेयर होने से रोक रही है। और जिसको देखकर चूहू बोलता है ये स्पिरिट डिसीडेंट है, और मुझे लगता है कि ये बंदा जब इसको यूज़ करके हटेगा अपनी एबिलिटी को तो पक्का अनकॉन्शियस हो जाएगा। पर यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जूमिंग होता है वो अनकॉन्शियस नहीं होता, जिसको देख करके चूहू काफ़ी शॉक में होता है। और यहाँ पे बोलता है जिंगमिंग की क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, और मना करता है चूहू को परेशान होने के लिए जिंगमिंग अपने बारे में, और कहता है कि जो आप मुझे सिखाना चाहते हो वो बस कंटिन्यू करते रहो। और चूहू भी जिंगमिंग को देख रहा होता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि इसके पास एक सोल लेवल क्लास से भी ज़्यादा का पोटेंशियल है। और जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगमिंग, और यहाँ पे हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंगमिंग की बॉडी पड़ी होती है और उसकी शरीर को उसके सोल ने छोड़ दिया होता है, और 3 घंटे 28 मिनट बाद का सीन दिखाया गया है ये। और यहाँ पे
चूहू बोलता है कि मैंने तुमको अपना स्टूडेंट ले लिया, काफ़ी अच्छी बात है, हाउ और तुम एक्चुअली में एक ह्यूमन नहीं, तुम एक मॉन्स्टर हो। जिसको सुन करके जिंगमिंग बोलता है कि एक मॉन्स्टर, क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट था ना? जिसको बोलता है चूहू, हाँ ये एक कॉम्प्लीमेंट था, पर मन में सोचता है ये कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा एक एडमिरेशन था जो मैंने खुद समझा है तुमको देख कर कि तुम एक मॉन्स्टर से कम नहीं हो। और यहाँ पर चूहू बोलता है कि प्रिटेंट करना बंद करो कि तुम काफ़ी थक गए हो और तुमने काफ़ी हार्ड टाइम पे ट्रेनिंग करी है, और जल्दी से खड़े हो जाओ और मैं अब तुमको खड़े हुए देखना चाहता हूँ। और जिसको सुन करके जिमिंग गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं थक गया हूँ, काफ़ी मेहनत करी है मैंने इस टाइम पर। वो ऑब्जर्वेशन रूम से डायरेक्ट ट्रेनिंग रूम में आ जाता है और कहता है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टमैनशिप को ट्रेनिंग में। जिसको सुन करके जिमिंग काफ़ी हैरान होता है, कहता है अभी इसी समय ही तुरंत ही? तो चूहू बोलता है कि हाँ अभी इसी समय, क्योंकि मैं अपने घड़ी को देखकर काम नहीं करता हूँ, जब मेरा मन करता है तभी मैं वही काम करने लगता हूँ। और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको अभी ही ट्रेनिंग दूँ, जितने लेट करोगे उतना ही तुम हारोगे, और फर्स्ट तुमको स्टार्ट करना होगा, और ट्रेनिंग को मैं स्टार्ट करूँगा तुमको पहले पीटने से। जिसको सुन करके जिंगमिंग काफ़ी हैरान होता है और उसके तरफ शॉट आ ही रही होती है उसको मारने के लिए, और बोलता है कि आप मुझे पीटोगे ये बोल रहे हो और मैं पहले से थका हुआ हूँ, आप मुझे पीट कैसे सकते हो? जिस पर कि चूहू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम छोटे बच्चे, तुमको पता है कि तुम्हारे टीचर के पास कोई रीज़न होगा तुमको पीटने के लिए, उसको मज़ा थोड़ी ना आ रही होगी कि वो पीटे। और यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर शॉट की शैडो बिल्कुल जुमिंग के मुंह पर दिख रही होती है और ऐसा लगता है कि उसको काफ़ी पीटा गया, और यहाँ पे बाहर घर के आवाज़ भी आ रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुमिंग अपनी बॉडी को चेक कर रहा होता है, कहता है कि जो मैंने ट्रेनिंग ली है वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट कर रही है और मुझे लग रहा है कि मेरे मसल्स भी ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि मेरे जो स्टार हैं वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये कम से कम बहुत टॉप ट्रेनिंग मुझे दी जा रही है इस ट्रेनिंग रूम के अलावा, और मैं अब एबल हो चुका हूँ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है डेंजन की उस वजह से, और डेंजन जो एकेडमी प्लान कर रही है विजिट करने का, उस डेंजन में की पूरी नॉलेज अब मेरे पास है। जो फील्ड ट्रिप है वो एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद है, और जैसा मैंने बोला था कि मैं उन सांप को मार दूंगा जो लाइट टावर पास आएंगे, और डेंजन की जो डिफ़िकल्टी है वो बहुत लोवेस्ट डिफ़िकल्टी है, पर मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल गार्ड्स भी होंगे स्टूडेंट के लिए, पर वो सब भी शायद एप्टॉन से उनको ना बचा पाएँ, और वहाँ पे प्रोफेसर्स भी बहुत सारे होंगे पर वो कहीं बहुत ज़्यादा दूर उन लोग से ना चले जाए एवर्टन की वजह से। पर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ लास्ट हफ्तों से जो एवर्टन का अटैक होने वाला है उस लिए। और यहाँ पे हमें सिस्टम के द्वारा बताया जाता है जहाँ पर ब्लॉक्ड ब्लड वेसल को ओपन होने का नोटिफिकेशन आता है, और जो माना सर्किट होता है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है सर्किट को, और जो रोटेशन है सील्ड स्पीड का वो भी बढ़ रहा है इसकी बॉडी में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है जुमिंग के लिए। और इसके लिए जुमिंग अपने मास्टर को थैंक्स करता है ट्रेनिंग के लिए, जिसके वजह से उसकी सिर्फ फिजिक्स नहीं इंप्रूव हुई है और स्पीड भी इंप्रूव हुई है ऑपरेट करने की माना को और भी। और यहाँ पर थैंक्स करता है कि वो अब लो क्लास इन्वेंसर को भी यूज़ कर सकता है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और अब वो ट्राई करता है इंटरमीडिएट लेवल का इन्वेंसर यूज़ करने के लिए। और अब वो बताता है जुमिंग कि उसने काफ़ी सारी चीज़ अपनी इंप्रूव कर ली, जैसे आर्कमिस्ट जिसने कि उसको काफ़ी अच्छे पोर्शन बनाने को बता दिया जो कि इंटरमीडिएट क्लास लेवल के होते हैं, जिनको मैंने काफ़ी सारे लोगों को बेचा जिसके वजह से अब मेरे पास काफ़ी अच्छे पैसे हैं और ये शायद अब इनफ होंगे। और इन पैसों को लेकर जुमिंग अपने लिए वेपन्स ख़रीदने आ जाता है स्टोर में, जहाँ पर वो काफ़ी इंपेंसिव वेपन्स को देखता है जो कि एक्सट्रीमली रेयर होती हैं, और एक शॉट को देखता है जिसका प्राइस होता है 3 बिलियन वॉन, और कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट ख़रीदना होगा अपने मनी से जो मैंने बनाया है पोशंस बेच करके। और सिस्टम बताता है कि जो आपका स्वॉर्डमैनशिप है वो भी इसकी स्किल भी इंप्रूव्ड हो चुकी है, और अब आप कम्प्लीटली मास्टर कर चुके हैं शॉट को, और आपकी प्रैक्टिस जो है स्वॉर्डमैन की वो अब अनकॉन्शियस हो चुकी है। और यहाँ पर हमें जिंगमिंग दिखाया जाता है जो अपनी शॉट से प्रैक्टिस कर रहा होता है और बताता है
कि ये जो शॉर्ट है डेफिनेटली मुझे बहुत हल्की फील हो रही है। और यहाँ पर जुमिंग ने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है जिसका नाम एक्सटर्नोरियल ब्रेसलेट होता है, जिसका ग्रेट रियल होता है, और इसके बारे में बताया जाता है ये एक ऐसा मैजिक ब्रेसलेट है जो कि किसी भी 200 किलो के ऑब्जेक्ट को आराम से पकड़ सकती है और पकड़ने वाले को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इसमें एक दिक्कत है कि वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो अपनी बारे में जुमिंग तारीफ़ कर रहा होता है उसको देखकर हेडान भी काफ़ी खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर जुमिंग बताता है कि यही सब फीलिंग बताती है कि अब मेरे पास हीरो एबिलिटी है, ये काफ़ी प्रिटी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हेडान बोलता है कि क्या तुम करना चाहते हो, क्या तुम मुझे ऐसा दिखाना चाहते हो कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज़ को चुरा लूं। और तभी जुमिंग देखता है कि उसके फ़ोन पर उसके मास्टर चूहू का कॉल आ रहा है और फ़ोन उठाकर बोलता है जुमिंग हेलो। तो मास्टर बताते हैं उसको चूहू कि उसको एसोसिएशन की तरफ से एक फेवर मांगा गया है कि वो स्टूडेंट के सेफ्टी के लिए वो भी जो फील्ड ट्रिप होने वाली एकेडमी की वहाँ पर जाएं एक ऐसे चीफ मैनेजर के तौर पर, जिसको सुन कर के जुमिंग हैरान होता है। वो कहता है कि एक हाई रैंकिंग प्रोफेशनल और प्रोफेसर्स के साथ ही मास्टर भी मेरे जा रहे हैं, जो कि ये तो डेंजन काफ़ी लोवेस्ट ग्रेड का डेंजन है। और यहाँ पर कहता है जुमिंग कि मैं भी चलूँगा मास्टर आपके साथ, जिस पर कि चूहू बोलता है कि क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो। और जुमिंग बोलता है कि मुझे भी चलना है क्योंकि मैंने एकेडमी को छोड़ दी, इसीलिए मुझे भी ड्रीम था कि मैं भी कभी डेंजन की ट्रिप ले सकूं, और एक अटैकर का लाइसेंस जब तक मुझे नहीं मिल जाता मैं वहां पर नहीं जा सकता हूं डेंजन में, और ये सच में काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम है, इसीलिए मैं आपसे फेवर मांग रहा हूं कि मुझे भी अपने हाथ ले चलिए, और मैंने आपके ट्रेनिंग के लिए ही एकेडमी छोड़ दी थी। और यहाँ पर चूहू काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है कि मुझे ब्लेम करना बंद करो। तो यहाँ पे जुमिंग कहता है ऐसा नहीं है मास्टर, पर आपका जो डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ मैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहता है डेंजन को, एक बार एटलीस्ट तो करना चाहता है। तो यहाँ पर चूहू मान जाता है, कहता है कि चलो ठीक है पर तुमको ले चलता हूँ, पर स्टिल तुमने वो लेवल अचीव नहीं किया है जहाँ पर तुम अकेले क्लियर कर सको लोवेस्ट रैंक डेंजन को। और बोलता है कि फाइन, पर अब तुम मेरे साथ चल रहे हो, इन रिटर्न में हम काफ़ी सारी ट्रेनिंग करेंगे लौटने के बाद, जिसको सुन करके जुमिंग काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जिस रात के बाद यहाँ पर फील्ड ट्रिप होने वाली है डेंजन में, और यहाँ पर चूहू जुमिंग लेटा होता है अपने बेड पर और बोलता है कि गाइस मैं कल एक तुमको स्पॉइल करने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुमको एडवांस में बता देता हूँ कि तुम शॉक मत होना, जिसमें काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम कल डेंजन ट्रिप पे आ रहे हो हमारे साथ और तुमने ये सब कैसे किया, और ऐसा मत बोलना कि तुम वहाँ पर एक मॉन्स्टर की तरह अपीयर हो गए, जिसको सुन करके जुमिंग को काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर हमें कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं कि वो लड़की भी कल ट्रिप पर ज़रूर आएगी, उस वो हमारे ट्रैप से, पर अब इस समय बची कैसे, वो उसका जो वो था कर्स वो कैसे हट गया उसके अंदर से, ऐसे ही ये काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहा होता है। और यहाँ पर वो एक बंदों के पास आता है जहाँ पर इससे एक बंदा पूछता है जो इनका लीडर लग रहा होता है कि नंबर 10 प्रिपरेशन रेडी हो चुकी है, जिस पर कि वो बंदा बोलता है नंबर 10 की हाँ, और बोलता है मैंने प्रिपेयर कर दिया है सीट को अगेन वहाँ पर। और जब वो सब बंदे डेंजन में आएंगे और अपना गार्ड डाउन कर देंगे क्योंकि वो लोवेस्ट ग्रेड डेंजन होगी, तब मेरे जो प्लांट का सीड है वो फिर अगेन होगा और उन सबको पे करना होगा उनके फेलियर के लिए। और यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि नंबर 10 अगर तुम इस बार फेल हुए तो तुमको इस बार अपने फेलियर के लिए अपने डेथ की पेनल्टी देनी पड़ेगी और तुमको मरना होगा, जिसको सुनकर के नंबर 10 हैरान होता है, कहता है कि यस मैं इस बात को अपने माइंड में रखूँगा, और कहता है कि जाओ नंबर 10 सब अब तुम्हारे पे है, बस फेल होकर मत आना। और यहाँ पर सब बंदे कुछ रिचुअल करने लगते हैं और बोलते हैं कि कर्स ऑफ फेथ ऑफ डेट एक्टिवेट हो जाओ, प्लांट करो सीड्स को फॉर अविवटॉन। और यहाँ पर यहीं पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें जुमिंग दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मॉर्निंग में आकर के यहाँ पर उन सबका इंतज़ार कर रहा होता, पर यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा होता, जिसको वो देखकर जुमिंग बोलता है
कि क्या मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। और तभी जुम्मिंग को पीछे से कोई बुलाता है, ये शरीन होती है और बोलती है हाय बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसको देखकर जुम्मिंग बोलता है शरीन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम भी जा रही हो फील्ड ट्रिप पे। तो शरीन बोलती है कि हाँ मैं भी ट्रिप पे जा रही हूँ क्योंकि मैं सेलेक्ट हुई हूँ, क्योंकि मैंने रिसीव किया था स्कूल का स्कॉलरशिप और स्टूडेंट में मैं काफ़ी अच्छी हूँ। और जुम्मिंग काफ़ी खुश नहीं होता है इस बात को सुन करके। और शरीन बोलती है कि क्या आप यूना और टाइमिन का वेट कर रहे हैं, क्या वो नहीं आएंगे शरीन, क्या वो किसी डेंजर में तो नहीं है। और तभी यहाँ पर यूना और टाइमिन भी आ जाते हैं जो शरीन को देख कर के काफ़ी खुश होते हैं। और यहाँ पर टाइमिन बोलता है कि तुमने बोला था कि कल तुम आ रहे हो ग्रुप चैट में, पर मुझे लगा कि ये ट्रूथ नहीं होगा, पर ये तो रियल है। और पूछता है जुमिंग से कि क्या ड्रॉप आउट जो कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यही बात यूना भी पूछती है और कहती है कि, और तभी शरीन बोलती है कि जो ड्रॉप आउट होते हैं उन्होंने लीव नहीं किया होता है। और यहाँ पे टाइमिंग बोलता है कि तुमको नहीं पता क्या जुम्मिंग ने ड्रॉप आउट कर दिया है क्योंकि इसके पास अब एक टीचर है। और शरीन बोलती है कि बॉस क्या ये सच बात है, और आपका मास्टर आखिरकार है कौन, जिस पर कि जुम्मिंग नहीं बताता उनको। और तभी वहाँ पर चूहू आ जाता है जिसको देख कर कि ये सब बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं सिवाय जुम्मिंग के, और कहते कि ये मैन को देखो ये डेंजर में हमारे साथ जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी हैरान होता है, शॉक होता है जुम्मिंग देख कर के। और तभी वहाँ पर टाइमिन बोलता है कि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, और इसका पोस्ट देखो कितना क्लियर है, कितना अच्छा है। और तभी यूना बोलती कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये हमारे तरफ ही आ रहे हैं। और यहाँ पर जुम्मी अपना मुंह छुपा लेता है, कहता है मुझे अटेंशन नहीं चाहिए। और इस समय पर आप जुम्मिंग का चेहरा देख सकते हैं जो काफ़ी अजीब लग रहा होता है। और तभी यहाँ पर चूहू आ जाते हैं और जुम्मिंग को देखकर बोलते हैं जब तुम मुझे देखो तो तुम्हें मुझे ग्रीट करना चाहिए, और ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और तभी यहाँ पर जुम्मिंग को ना चाहते हुए वो अपने बंदों को बताना पड़ता है तीनों को कि देखो ये मेरे मास्टर है तो तुम्हें इनको ग्रीट करना चाहिए, जिसको सुन करके ये तीनों काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे मास्टर हैं।